ज आर डूइंग फाइन सो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर गोइंग प्लेसेस दिस इज द लास्ट चैप्टर फ्रॉम फ्लैमिंग गो प्रोसो एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे बिकॉज सोफी की एज लगभग आपके जितनी है और लूलू इज द ओनली सुलू जो आजकल आप यूज कर रहे हो आई थिंक सोफी ऑलरेडी कर चुकी है बिफोर इट वॉज इवन इन्वेंटेड सो आज हम देखने वाले हैं सोफ़ी की डल्यूशनल दुनिया बिकॉज शी इज गोइंग प्लेसेस इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड सो लेट स्टार्ट सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है चैप्टर के अंदर हमें दो लड़कियों की कहानी एकदम बढ़िया तरीके से दिखेगी दो लड़कियाँ यहाँ पर हमारे ऑथर ने डिवाइड करने की कोशिश की है कैरेक्टर को एक तरफ हमें सोफ़ी का कैरेक्टर दिखाया जाएगा जो कि एक डे ड्रीमर है डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहती है सच्चाई से कोसो दूर है और दूसरी तरफ उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है जेनजी जो बहुत ही रियलिस्टिक है और सच्चाई का सामना करती है और ज़मीन से जुड़ी हुई है तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं अभी सोफी और जेनजी दोनों जैसे आपको पता है कि कभी हम लोग आ, आप भी आप तो अभी स्कूल जा ही रहे हो खैर तो जब हम लोग स्कूल से वापस आते हैं छुट्टी होती है तो किस तरीके से कितना मजा आता है अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में अपने घर जाने में खूब सारी बातें करने में खूब सारे डिस्कशंस करने में एक्जैक्टली exactly वही यहाँ पर हो रहा था सोफी और जेनजी अपने घर वापस जा रहे हैं अपने स्कूल से और सोफी यहाँ पर कुछ बातें कर रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ लेट्स हैव अ लुक तो सबसे पहले सोफी बोलती है कि यार जब मैं है ना चली जाऊंगी मतलब जब वो स्कूल से घर आ रही थी वो कह रही थी कि जब मैं स्कूल से निकल जाऊंगी आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक तब मेरा एक बुटीक होगा मैं चाहती हूं कि मेरा एक बहुत ही शानदार बुटीक हो अब यहाँ पर जेनजी जो कि उसके साथ में हाथ में हाथ डालकर बढ़िया तरीके से चल रही है वो उसको सच्चाई का सामना कराती रहती है ऐसा होता है ना हम भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स के सामने बातें करते हैं और वो भी बार बार सच्चाई ना और पूरी सच्चाई दिखाते रहते हैं exactly एग्जैक्टली वही यहाँ पर हो रहा था तो उसको सच्चाई का सामना करा रही थी कहती है टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट बोला बेटा तू यहाँ पे एक बुटीक खोलना चाह रही है बुटीक ऐसे ही नहीं खुलता सोफ so, उसके लिए पैसा लगता है तो भी कहती कोई बात नहीं आई फाइंड इट आराम से एकदम ऐसे बहुत गहराई में देखते हुए कहती है अरे कोई दिक्कत नहीं है पैसा लगता है तो क्या हुआ दे देंगे टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच बोला अरे बहुत टाइम लगेगा उतना पैसा बचाने में उतना पैसा इकट्ठा करने में कि तू बुटीक खोल सके अब यहां पर जब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो सोफिया अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर जवाब देते हुए कहती है आई बी अ मैनेजर देन ठीक है कोई बात नहीं मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी टू बिगिन विद Anyway, you know, so, जर तो बन जाती हूँ और उसके बाद में जब तक मेरे पास उतना पैसा इकट्ठा नहीं होता तब तक एज अ मैनेजर काम करती रहूंगी और उसके बाद में आई कैन है मत कर मुझे एग्जैक्टली exactly पता है कि कैसा दिखता है मेरा बुटीक

सो ऑन सो इस तरीके से uh, यहाँ पे सोफी का भी एक सपना है कि वो बुटीक खोलना चाहती है और सिटी का काफी अच्छा बुटीक खोलना चाहती है तो मैम क्या दिक्कत क्या है उसमें दिक्कत यह है बच्चों दे वुन मेक यू मैनेज स्ट्रेट ऑफ सोफ यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी जो है वो यहाँ पर ये यह आती है कि सोफी अपनी सच्चाई को नहीं जानती है और अभी यहाँ पर हम सच्चाई तक उसकी पहुंचने वाले हैं कैसे सबसे पहले तो जेनजी कहती है बोलती है देख बेटा तेरे को अभी यहाँ से निकलते ही सीधे तो मैनेजर कोई बना नहीं देगा ठीक है तू तो ऐसा मत सोच के बस यहाँ से निकलेगी और उधर तू मैनेजर बन जाएगी तो इतने में सोफी के पास इसका भी जवाब है सोफी कहती है आई विल बी लाइक मैरी ने कहा कोई बात नहीं मैं तो एक बहुत ही नेचुरल मॉडल बन जाऊंगी मुझे क्या लगता है मेरे को क्या दिक्कत है और देख ना मैं एकदम शुरुआत से तुम्हें बता दे रही हूँ कि मेरा जो बुटीक होने वाला है वो ऐसा बुटीक होने वाला है जैसा इस सिटी ने कभी नहीं देखा होगा अब बच्चों यहाँ तक हम सोफ़ी की इस डिल्यूजनल वर्ल्ड में देख रहे हैं हम देख रहे हैं वो बुटीक स्टार्ट करना चाहती है पैसे कमाने के लिए वो मैनेजर बनने को तैयार है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो ये भी कहने के लिए ये भी कह रही है कि कोई बात नहीं अगर मैं, मैं एक बार मैं मैनेजर नहीं बनूंगी तो मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी एक मॉडल बन जाऊंगी पर मेरा बुटीक तो होगा और सिटी का सबसे बेस्ट बुटीक वो होने वाला है बट यहाँ पर ये सारी चीज़ों पे बार बार जेन्जी सवाल इसलिए उठा रही है बिकॉज जेन्जी नोइंग दे वर बोथ एयर मार्क्स फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलन के लिए सो बेसिकली जेन्जी जो है जो कि उसकी बहुत रियलिस्टिक फ्रेंड है वो जब अपनी फ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सारी बातें करते हुए देखती है तो उसका दिल टूट जाता है इसके लिए दिल टूट जाता है क्योंकि जेन्जी को पता है कि उन दोनों की किस्मत जो है सोफी और जेनजी की किस्मत जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है जेनजी को पता है कि वो दोनों जो है वो डिसाइडेड है कि ये कहाँ पे काम करने वाली हैं बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली हैं और बिस्किट फैक्ट्री में क्योंकि यही उनके लिए डिसाइडेड था हमेशा से कि ठीक है ये बच्चे पढ़ेंगे और पढ़कर कहाँ काम करेंगे बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे क्योंकि एक एज पे जब ये आ जाएंगे तो वहां पर ऑफकोर्स काम करना चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा है ना तो ये चीज़ इनके लिए ऑलरेडी डिसाइडेड है इनके आसपास की लड़कियां जो हैं या इनके इनकम ग्रुप की जो लड़कियां हैं बाकी बच्चे हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं तो ये चीजी को पता थी बट वो सोफी को बार बार इस रियलिटी से का सामना करवाती रहती थी बट जब वो देखती थी कि सोफी के सपने तो बहुत बड़े हैं और यू नो सोफी बिस्किट फैक्ट्री में एज अ लेबर काम करने के लिए नहीं तैयार है वो नहीं इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही है तो बेचारी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती थी उसे अंदर से ऐसा लगता था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे देख रही है यू नो तो बहुत बुरा लगता था शी विस्ट सोफी वुडन से दीज थिंग्स उसे ऐसा लगता था था कि यार काश सोफी समझ जाती और काश वो एक्सेप्ट कर लेती अपनी रियलिटी को और इस तरीके की बातें नहीं करती क्योंकि वो सोफी को भी हर्ट कर रहा है एंड ऑफकोर्स टू सम जेनजी को भी वेन दे रीच सोफ़ी स्ट्री जेन्जी सैड इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ़ यू रियली शुड बी सेंसिबल दे डोन्ट पे वेल फॉर शॉप वर्क यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट अब यहाँ पर एकदम से जेनजी उसे फिर से रियलिटी के अंदर लेकर आने की कोशिश कर रही है और सोफ़ी को समझा रही है कि यार सोफ़ी अब देख ज्यादा दिन बचे नहीं हैं हमारे स्कूल से निकलने में हमारे बड़े हो जाने में हमारे करियर्स को डिसाइड करने में तो कम से कम अब तो, तो थोड़ा थोड़ी सेंसिबल हो जा तेरे पापा कभी तुझे अलाउ नहीं करेंगे आ, कोई पे ऐसे काम करने के लिए मैं तेरे को पहले ही बता देती हूँ कि हमारे लिए सब कुछ डिसाइडेड है और तेरे डैड इसके अलावा और कुछ तुझे अलाउ नहीं करने वाले बट सोफी रियालिटी को देखना ही नहीं चाहती है बिकॉज सोफी बिलीव इन डेलूलू इज दी ओनली सलूलू उसको पता है कि उसकी रियलिटी क्या है बट वो उस रियलिटी को एस्केप करना चाहती है और इसीलिए वो जेनजे की एक बात तक आ तक नहीं सुन रही है वो बोलती है और एन एक्ट्रेस कहती कहती कोई बात नहीं वो मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ बुटीक के पैसे नहीं है मैनेजर बन जाऊंगी मैनेजर नहीं बनाएंगे फैशन इन्फ्लुएंसर मॉडल बन जाऊंगी वो भी नहीं तो एक्ट्रेस एक्ट्रेस बन सकती हूँ यार मैं दर इज रियल मनी इन दैट ये मे बी है बुटीक ऑन द साइड you डोंट वर्क a फैशन डिजाइनर कहती है या तो मैं actress बन जाऊंगी और एक्ट्रेस बनने में तो कितना पैसा आया और कितना पैसा है और वैसे भी ना एक्ट्रेसेस पूरे टाइम तो काम करती नहीं है तो मैं साइड साइड में बुटीक भी चला लूंगी वहाँ पे तो खूब पैसा मैं कमाने वाली हूँ चाहे मैं वो बनूँ या कोई फैशन डिजाइनर बनूँ मैं काम तो कुछ ना बहुत ही सोफेस्टिकेटेड करूँगी सोफेस्टिकेटेड काम मैं करने वाली हूँ एंड शी टर्न इन थ्रू दी ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेन्जी स्टैंडिंग इन द रेन वो इतनी अपने ख्वाबों में खोई हुई है वो ऐसे यू uh, नो you know, अपने इस डिलीजनल दुनिया के अंदर खोई हुई है कि वो जेन्जी की बातों को तो इग्नोर करती करती है पर उसके साथ जेन्जी को भी इग्नोर कर देती है बेचारी जेन्जी जो है वो बाहर बारिश में भीग रही होती है और उसको वहाँ पर छोड़ कर वो चली जाती है If ever I come into money, I'll buy a boutique. Ah, if you ever come into money, if you ever come into money, you'll buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. यहाँ पर एकदम से आ, हमारी जो सोफ़ी है वो कहती है यार अभी जब यहाँ पे ऐसा होगा कि मेरे पास खूब पैसा आ जाएगा तो देख लेना मैं हंड्रेड परसेंट एक बुटीक ख़रीदने वाली हूँ और आ, यू नो अपना सपना पूरा करने वाली हूँ बट यहाँ पर रियलिटी तो ये है कि उसके पास जब पैसा आ जाएगा तो पैसा आने पर तो सबसे पहले शायद उसे एक डिसेंट घर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उस पैसे से पहले उसे अपना घर अच्छा करना पड़ेगा जिस घर में वो अभी रह रही है वो घर एक्चुअली जर्जर हो चुका है वो घर एक्चुअली बहुत छोटा है और वहां पर उसकी पूरी फैमिली रह रही है तो उसकी फैमिली एकदम से रियलिटी को जानती है उसकी और सोफी बिल्कुल भी रियलिटी के साथ जुड़ी हुई नहीं है वो डे ड्रीम करती है सोचती है पैसा आएगा तो बुटीक खरीदूंगी घर वाले कहते हैं बेटा पैसा आए तो पहले घर गर खरीद लेना अच्छा अब ऐसे में सोफी के पापा आराम से एकदम बढ़िया खाना खा रहे हैं ऐसा होता है ना यार कोई काम वाम करके आता है स्पेशली डैड्स जब ऑफिस से घर पे आते हैं तो फटाफट से सोचते हैं यार आज खाने में क्या है अभी भी खाने के लिए क्या है तो कुछ मंच करने के लिए उन्हें चाहिए होता है ऐसा ही सोफी के डैड भी कर रहे हैं और जब वो यहाँ पे ऐसे अपना खाना खाते जा रहे हैं तो सोफी का छोटा भाई जिसका नाम है डेरेक्ट जो कि बहुत ही चुगल है सच में है ना वो एकदम से बोलता है शी थिंग मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड बेचारा इतना छोटा सा है पर उसके अंदर इतना दिमाग है और वो रियलिटी से इतना जुड़ा हुआ है कि अपने पापा से बात करते हुए कहता है पापा इसको ये लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं ये लगता है ना इसको कि पैसे पेड़ पे उगते हैं हुँ। अब जब डायरेक्ट यहाँ पर अपनी बहन की चुगली कर रहा होता है तो हमें सीन के अंदर देखने को मिलती है सोफी की मम्मी भी सोफी की मम्मी जो कि रोज ये चीज देखती है रोज देखती है कि किस तरीके से सोफी के पिता आते हैं खाना खाते हैं या फिर बैठते हैं मैच देखते हैं कभी उनकी काम में हेल्प नहीं कराते सोफ़ी कभी उनकी काम में हेल्प नहीं कराती उनके दो लड़के हैं एक डेरक है एक जी ऑफ है वो भी कभी अपनी मम्मी को उनके काम को इतना अप्रिशिएट नहीं करते वो बेचारी पूरे दिन काम करती रहती है और रोज़ ये चीज़ देखती रहती है कि सोफ़ी कैसे डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीती है कैसे उसके पिता इस चीज़ के अगेंस्ट है कैसे उसके पिता काफ़ी रिजिड है काफ़ी स्ट्रिक्ट है दूसरी तरफ कैसे डायरेक्ट चुगलखोर है और जी ऑफ अपनी खुद की दुनिया में रहता है और वो अकेली इन सबका काम करती रहती है तो वो बेचारी यहाँ पर

तो सोफी उन्हें देखती है काम करते हुए कि यार ये सिंक में ऐसे काम कर रही है वो देखती है कि किस तरीके से कितनी बुरी तरीके से उन्होंने अपना एप्रन डाला हुआ है और कैसे उसके स्ट्रिंग एकदम लूज हो रखे हैं और उसको देख के सोफी इज लाइक मतलब सोफी बेसिकली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम वो ये बताना चाहती है कि वो इन सबसे बहुत डिफरेंट है एंड द काइंड ऑफ जॉब जो उसकी मम्मी करती है शी इज नॉट गोइंग टू डू दैट शी दैटेंट बिलोंग देयर तो ये ये शो करना चाहती है कि वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करती है वो इस किचन में सिंक के पास और काम करती हुई बिलोंग नहीं करती है शी विल डू समथिंग सोफेस्टिकेटेड ठीक है तो अपनी मम्मा को ये काम करते हुए देखकर काफी ज्यादा यू नो अजीब फील कर रही होती है ओके okay. अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना सब कुछ वो जब पहले मम्मी को देखती है उसके बाद में देखती है अपने छोटे से घर को देखती है किस तरीके से कबाड़ बनाया हुआ है इस घर के अंदर कहीं पे तो बर्तन पड़े हैं तो कहीं पे तो कुछ कपड़े पड़े हैं धोने के लिए भगवान जाने क्या क्या हो रहा है तो ये सब कुछ देखकर उसको ऐसा लगता है कि हे राम मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पे एकदम से ना ऐसे उसको शी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट वो सोचती है कि ओह गॉड यू you नो know, एकदम ऐसा फील करती है वो और उसके बाद में इज लाइक कि मेरे को आई वांट टू गो टू जी ऑफ मेरे को जल्दी से जी ऑफ के पास जाना है जो कि इसका बड़ा भाई है ओके okay. अब वो देखती है जब जी ऑफ के रूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि जी ऑफ किस तरीके से फ्लोर के ऊपर नील करा हुआ है और मोटरसाइकिल पे कुछ टिंकरिंग कर रहा है कुछ रिपेयर्स वगैरह वहाँ पर कर रहा है कुछ उसने न्यूज़पेपर्स वगैरह भी वहाँ पर फैला रखे हैं जिस पर ऑफकोर्स वो अपना सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख रहा होगा स्कूल से निकले हुए उसे तीन साल हो चुके हैं और अब वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है और वो यू you नो know, सिटी के दूसरे कोने में हर दिन जाता है एंड यू नो वहां पे वर्क करता है अभी यहाँ पर काफ़ी काफ़ी बड़ा वो हो चुका है और जब वो यू you नो know, इतने काम करता है इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल से बाहर आ चुका है यू you नो know, ऐसे उसको देखती है कि अरे वा यार ये तो मोटर बाइक भी रिपेयर कर रहा है तो सोफी को लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कुछ एरियाज़ होंगे ऐसी कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसके बारे में शायद अब वो हमारे साथ में शेयर नहीं करता क्योंकि वो वैसे भी ना बहुत कम बात करता है वो ना बहुत इंट्रोवर्टेड है बहुत कम बात करता है मतलब अगर आपको उससे बात करनी है तो उसके मुंह से शब्द निकलवाने पड़ेंगे वो खुद से नहीं बोलेगा है ना और यही चीज जो है सोफी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी क्योंकि सोफी को ऐसा लगता था कि यार जी ऑफ ऐसी जगहों पे गया है जी ऑफ ऐसी चीजें करा है जो कि शायद सोफ़ी ने कभी सोची भी नहीं होगी एंड शी वॉन्टेड टू नो अबाउट दैम वो जानना चाहती थी वो जिओफ से वो कहानियां सुनना चाहती थी ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर वो गया था वो सारे एक्सपीरियंसेस जो उसने किए थे शी वॉन्टेड टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स विद हर ब्रदर ठीक है तो वो बहुत अच्छी दोस्त बनना चाहती थी अपने भाई की और उन सारी जगहों के बारे में उस दुनिया के बारे में जानना चाहती थी जिसमें जियॉफ रहता था पहले देवर ओनली द आउटलाइन आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट सिटी ऑफ प्लेसेज बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री नू दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिम्पली बिकॉज दे व अनोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑवर रीच बट जो जो चीज़ हमारे रीच में नहीं होती है ना ऐसी चीज़ जिसे हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं ना वो हमें खास करके ज़्यादा फैसिनेट करती है एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई एक चीज़ जो हमारी औकात से बाहर होती है वो हमें ज़्यादा फैसिनेट करती है और वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी सोफ़ी को जियो इंक्लूड नहीं करता था अपने जिंदगी के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ यू नो you know, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसके बारे में वो इतनी बात नहीं करता था सोफ़ी के साथ तो सोफ़ी के लिए ये स्पेशली ज़्यादा एंटरटेनिंग था उसे ऐसा लगता था कि नहीं आई वॉन्ट टू नो आई वॉन्ट टू नो कि आखिर यू नो ये क्या है ये कौन सी दुनिया में जाता है कितने इसके दोस्त है क्या क्या एक्सपीरियंस करता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए अननोन थी तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग थी वो सोचती थी कि यार इसके जीवन के अंदर काफी लोग भी होंगे कुछ इंटरेस्टिंग लोग होंगे कुछ बड़े स्ट्रेंज कुछ अच्छे लोग होंगे जिनके बारे में ये बात नहीं करता क्योंकि यू नो ये चुप रहता है बट उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता होगा आता था कि जियो के उतने ज्यादा दोस्त तो नहीं हो सकते क्योंकि एक इतना चुप इंसान क्या ही दोस्ती करेगा है ना ऐसा उसे लगता था बट एनी वे वो जानना चाहती थी उन लोगों को अगर वो एक आध लोग भी थे तो भी वो उनके बारे में जानना चाहती थी वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी वो सोचती थी कि यार काश मेरे को मेरा भाई बहुत ज़्यादा पसंद करता काश मेरा भाई यू नो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना कर रखता मुझे इतना पसंद करता कि मुझे सारी चीज़ें बताता और एक दिन मेरे को भी अपने साथ लेकर जाता जिय भी कभी सोफ़ी को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता था और उसके ऊपर से कभी भी सोफी ने भी ऐसा नहीं सोचा सॉरी सोफ़ी के पिताजी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि सोफ़ी को जियोफ़ के वर्ल्ड के अंदर इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज ऑफ़ कोर्स जियो और जियफ के फ्रेंड सोफ़ी से काफी बड़े थे और सोफी काफी छोटी थी और जितना अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो काफी डिफरेंट नेचर की थी तो सब लोग सोफ़ी को प्रोटेक्ट कर रहे थे और कोई भी सोफ़ी को आ, यू नो जियोफ के साथ और उसके बड़े दोस्तों के साथ तो इन्वॉल्व नहीं करने देता था और राइट बट वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थी मतलब सब लोग ये चाहते थे कि सोफ़ी बड़ी हो जाए थोड़ी समझदार हो जाए थोड़ी अक्ल उसके अंदर आ जाए उसके बाद वो बाहर घूम फिर सकती है इनफैक्ट जी के साथ भी चिल कर सकती है बट सोफ़ी के पास में तो इतना पेशेंस था ही नहीं सोफ़ी इतनी इम्पेशन थी कि वो चाहती थी कि बस आज ही उसे जी की दुनिया का हिस्सा बना दिया जाए उसे ऐसा लगता था जैसे कि यू you नो know, एक कोई कोई तो एक ऐसी जगह होगी कोई तो एक ऐसी जगह होगी जहां पर उसका और जिय का इंतज़ार तुल 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 हो रहा होगा कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर एक अलग ही दुनिया होगी जिस दुनिया में सिर्फ सोफ़ी और जिय के लिए जगह होगी जहां पर यू नो सोफी और जियोफ का इंतज़ार हो रहा होगा वो कभी कभी इमेजिन भी करती थी कि सोफी यू नो जी की मोटरसाइकिल पर जिय के पीछे बैठी है जिय ने एकदम शाइनिंग ब्लैक जैकेट पहना हुआ है सोफ़ी ने येलो कलर का केप डाला हुआ ठीक है येलो ड्रेस पहनी हुई है केप के साथ में और वो बाइक पे यू नो वो बाइक चला रहा है एकदम स्पीड से और एंटर कर खुश हो गए एंड वो सब खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे उनका स्वागत कर रहे हैं तो ऐसी सारी चीजें इमेजिन करती रहती थी वो सोचती थी ऐसी दुनिया है जहां परियो को वैसे ट्रीट किया जाता हो होगा और मुझे भी उस दुनिया का हिस्सा बनना है यहाँ पे बेचारा जिओफ़ जो कि अब ऑफ कोर्स रियलिटी में है क्योंकि सोफी जैसी वाइल्ड इमेजिनेशन और कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई भी ऐसा कैरेक्टर हमने नहीं देखा जिओफ़ लिटरली मतलब सोफी इज लाइक कि वाह इसके दिमाग में भगवान जाने क्या क्या चलता होगा ये क्या क्या प्लान करता होगा ये क्या क्या सोचता होगा और जियो पता है क्या सोच रहा है कि कैसे ज्वाइन होगा ये बाइक का ये जो पार्ट है ये खोल तो दिया है मैंने और उसको रिपेयर करने में मैं लगा हुआ हूँ पर ये जॉइन होगा कैसे इमेजिन करो मैं ऐसा बता रही हूं ऐसा होता है हम लड़कियाँ कभी कभी-कभी बहुत सारी चीजों को ओवरथिंक करती है बट लड़के जो होते हैं ना वो बेसिक चीजों में डूबे होते हैं वी लाइक अरे ये तो जरूर ये सोच रहा होगा आ, लड़के ये सोच रहे हैं यार ये बाइक का ये वाला पार्ट जुड़ेगा कैसे

उसका भाई ऑफ कोर्स यहाँ पर एक मोटर बाइक रिपेयर कर रहा था और उसके पास इतना समय तो नहीं था कि वो सोफ़ी से दिमाग लड़ा सके उसकी वाइल्ड फैंटसीज के बारे में जान सके तो अभी उसे चाहिए था कि उसका भाई उसको आ, अटेंड करे और उसको अटेंशन दे एक अच्छा रास्ता यहाँ पे सोफ़ी को दिखा और वो अच्छा रास्ता था थ्रू अ फुटबॉल प्लेयर जी हाँ सोफ़ी और उसका पूरा परिवार जो है वो फुटबॉल फैन था और ये लोग मैचेस देखने जाते थे टीवी पर मैचेस देखा करते थे ठीक है और इनका जो अभी अभी वाली जनरेशन थी इनका एक फेवरेट प्लेयर था एक आयरिश प्रौड डेनी डैनी कैसी डैनी कैसी नाम का एक प्लेयर था जो कि इन सबको पसंद था ये ये सब उसके फैन थे ख़ास करके जी और इसीलिए सोफी ने सोचा कि अगर मुझे जे का अटेंशन लेना है सीख करना है तो मुझे डेनी कैसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा वो तो कहती है आई मेट डेनी कैसी अब जिस मिनट वो ये कहती है एकदम से सब कुछ छोड़ देता है जी ऑफ सब कुछ छोड़ के जी ऑफ इज लाइक कहा तो अब एकदम से आ, आ, सोफी ने सोचा कि चलो यार जिसने तो मुझे अटेंशन दे दिया मैं तो यही चाहती थी और अब ये मुझे देख रहा है और अब मुझसे बात कर रहा है तो अच्छी बात है कम से कम हम दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी तो वो आ, ऐ, ऐसे मार्केट में मार्केट में मिली हाँ हा, कितनी फनी बात है ना ऐसा नहीं है इट्स नॉट बोला मुझे म, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था भाई सच है तूने पापा को बताया तो डेनी कैसे से मिली है जिओफ़ एकदम एकदम शौक होकर पूछता है तो वो वो कहती है कि नहीं मतलब यू नो इट्स लाइक तुझे तो पता ही है मैं मेरे सारे सीक्रेट सबसे पहले तेरे साथ शेयर करती हूँ और किसी के साथ नहीं मतलब शी वांटेड टू क्रिएट दैट बॉन्ड उस बॉन्ड को क्रिएट करना चाहती थी वो ये बताना चाहती थी कि जियोफ सोफी के लिए कितना स्पेशल है कि पूरे सारे फैमिली मेंबर्स में वो जी को इतना पसंद करती है और इतनी अटैच है उसके साथ में कि अपने सीक्रेट सबसे पहले उसे बताती है तो उसके मुंह पर उसकी बेजती कर देता है और कहता है आई डोंट बिलीव इट ये सच नहीं हो सकता अब इतने में अभी सोफी अम्म बात करना शुरू कर रही है ठीक है सोफी अब बात करना शुरू कर रही है आप देखेंगे सुनेंगे दे आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ इन रोयसिस विंडो When someone came and and stood beside me and I looked around, who should it be? But कर रही थी और फिर मैंने एकदम से देखा और मैंने कहा ये कौन है और वो और कोई नहीं Danny कैसी था ठीक है ठीक है अभी तक थोड़ा बिलीवेबल है

एंड इज न एज यूड और वो उतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो जितना वो आपको स्टेडियम uh, से दिखता है स्टेडियम uh, uh, में दिखता है या फिर आपको यू नो टी वी पे दिखता है शी वी शुड wo kuch aur add karna chahti वो कुछ और ke करना चाहती थी mein कैसी then दांतों के बारे में but then she was like, it be. दे फादर हैड वॉश्ड अच्छा अब इतने में यहाँ पर वही सारी बातें जियो को बता रही है एंड इन द मीन टाइम अभी उसके पापा के अंदर फुल एनर्जी आ चुकी है खूब सारा खाना खा के तो फटाफट से एकदम से मुंह हाथ धोकर एकदम उनमें से साबुन की खुशबू आ रही है तो एकदम मुंह हाथ धोकर और अभी आ चुके हैं और टेलीविजन उन्होंने ऑन कर दिया है और छोटा बच्चा डायरेक्ट जो है वो अब उनके पास में जाकर बैठ गया है तक से अब दोनों मिलकर टी वी देखेंगे अब इतने में जियोफ ऑलमोस्ट बिलीव कर लेता है सोफी की बात पे और बिलीव करते ही वो फटाफट से भागता है अपने पापा के पास में और जाकर उन्हें बता देता है सोफी डैनी कैसी से मिली है अब जब ये होता है तो सोफी इज लाइक अरे कर इसने गड़बड़ ये इसको कुछ बताना नहीं चाहिए यार तो सोफी एकदम से कैसे जैसे अपनी जगह बना लेती है आम, एकदम साइड में टेबल पे उसके पापा एकदम से यू uh, नो you know, अपना फेस थोड़ा शिफ्ट करते हैं अभी तो टेलीविजन को देख रहे थे अब पीछे देखते हैं और देखकर ही इज लाइक हम ही वाज नॉट हैप्पी ही वाज नॉट हैप्पी बिकॉज़ उनको पता है कि उनकी बेटी जो है ना वो वाइल्ड फैंटेसीज में जीती है वो वाइल्ड स्टोरीज बनाती रहती है कुछ भी कहानियां बनाती है जिनमें से कुछ भी सच नहीं होता तो यू नो उसके ये भी वन ऑफ हर स्टोरीज ही है और कुछ नहीं है बट क्योंकि सोफी ने जिओफ को इतना ज्यादा यू नो कॉन्फिडेंस में ले लिया था जिओफ वाज लाइक इट्स ट्रू अरे सच है सोफी डैनिन कैसी से मिली है उसके पापा ने ज्यादा भाव नहीं दिया उसके पापा ने बोला हाँ मैं तो एक ऐसे इंसान को भी जानता हूं जो टॉम फिनी से मिला था नाउ टॉम फिनी इज आल्सो अ वेरी सीनियर प्लेयर एक सीनियर प्लेयर है तो बोला हाँ मैं जानता हूं ऐसे इंसान को जो टॉम फिनी से मिला था इसमें क्या बड़ी बात है बट ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है योफ ने कहा हाँ, आपने हमें वो कहानी सुनाई थी अब यहाँ पे जब यू you नो know, उसके पापा टॉम फिनी के बारे में बात करने लग जाते हैं बताने लग जाते हैं कि कैसे एक इंसान टॉम फिनी से मिला था और बहुत पहले उनकी मुलाकात हुई थी तो टॉम फिनी पिक्चर में आ गया जो कि एक बहुत सीनियर प्लेयर है एंड डैनिकैसी के बारे में बात हो रही है जो कि इस जनरेशन का काफ़ी अच्छा प्लेयर है और काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं तो अब ये जो बात है ना ये शिफ्ट हो गई है अब ये बात ये जो पूरा डिस्कशन है इट्स नो लॉन्गर अबाउट सोफी मीटिंग डेनी डेनी कैसी, कैसी, इट इज़ अबाउट टॉम फिनी बिकॉज अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोफी ने डेनी कैसी को कहा मिला क्या मिला क्या नहीं अब इस बात से फर्क पड़ता है हु इज गॉड टॉम फिनी तो बहुत अच्छा कैसी उसकी बराबरी कर भी पाएगा कि नहीं तो दोनों बाप बेटे उसके बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं एकदम से दोनों डिस्कशन करते हैं कि हाँ यू you नो know, कैसी भी उतना अच्छा हो जाएगा एक दिन अगर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे अगर वो अपने गेम पे फोकस करे तो एक दिन वो भी टॉम फिनी जितना अच्छा हो पाएगा क्योंकि आजकल यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था एंड ठीक है वो दुनिया की काफ़ी अच्छी टीम में है दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं काफ़ी यू नो यंग है वो काफी जल्दी जो यू you नो know, जल्दी जो है कोप अप कर लेगा काफी जल्दी ग्रोथ ले लेगा काफी जल्दी पॉपुलर हो जाएगा और काफी बढ़िया प्लेयर बनेगा तो दोनों आराम से ये डिस्कस कर रहे होते हैं और सोफी को ये बात पसंद नहीं आती बिकॉज़ सोफी ने ये पूरी डेनिस गैसी का चर्चा इसीलिए किया था इतनी डिस्कशंस इसके लिए शुरू की थी ताकि उसे अटेंशन मिले और ये पूरा अभी ये लोग आराम से बढ़िया कन्वर्सेशन चला रहे हैं नो वन इज एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू सोफी एंड हाउ शी मेट डेनी गैसी दिस शुड हैव बीन द बिगेस्ट थिंग ये तो एकदम पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना तो ऐसा होना चाहिए था कि इसके बारे में पूरे घर में बंदा जाने कितने दिनों तक बात हो रही हो हु। बट उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था वर डिस्कसिंग हाउनी एसी कैन बी और यू नो कैन बिकम नेक्स्ट टॉम फिनी तो सोफी ने फिर से सोचा कि अब मुझे वापस से इनका अटेंशन सीख करना पड़ेगा एंड दैट इज वैनशी सैट ही टू बा शॉप उसके पापा ने उसे देखा और उसने उससे पूछा कहां सुना कहां तूने ये एग्जैक्टली अह ही टोल्ड मी सो उसने मुझे खुद बताया अब उसके पापा ने अपने अंदर ही अंदर कुछ तो बोला था कुछ तो बोला था जो सुनाई नहीं दे रहा था बट आई एम श्योर दैट ही वाज मेकिंग फन ऑफ सोफी ठीक है अब इसके बाद में उन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा डिसेंट तरीके से सोफी के सामने बोला दिस This... अनदर ऑफ़ योर स्टोरीज़ हाँ ये 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 जो तू बोल रही है उससे मिली थी वो शॉप खोलेगा उसने तुझे बताया था ये फिर से तेरी कोई कहानी है क्या हाँ huh? अब इतने में जी ऑफ़ आगे कंटिन्यू करता है और बताता नहीं नहीं पापा ये सच में मार्केट में मिली थी सोफी ना रोयस को वहाँ पे कपड़े देख रही थी और वहां पर मिली थी वो डेनी केसी से उसके पापा को सोफ़ी पे कतई भरोसा नहीं है उनको अच्छे से पता है कि सोफ़ी बहुत झूठी है वो बहुत ऐसी कहानियाँ बनाती है जिनका कोई सर पैर नहीं है एंड दैट इज़ वाई वो सोफ़ी को वॉन करते हुए कहते हैं वन ऑफ दीस डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ श्रावल बोला देख बेटा किसी ना किसी दिन ना इन दिनों में से किसी ना किसी एक दिन ना तू भयंकर भयंकर प्रॉब्लम में फंसने वाली है तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम के अंदर फंस जाने वाली है मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ अब इतने में यू नो एकदम से सोफी बोलती है नोज इट्स ट्रू डोंट डोंट यू यू बिलीव इट लाइक टू अब इतने में यहाँ पे आ, सोफी ने ये शो कर दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा उसके ऊपर भरोसा करते हैं या नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी मम्मी उस पर भरोसा करती है क्या इन डायरेक्ट तो मैटर ही नहीं करता उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या जी ऑफ उस पर भरोसा करता है क्या जी ऑफ इस बात को मानता है और कहते हैं नहीं वो भी तेरी बात पे यकीन नहीं करता है, वो चाहता है तुझ पे यकीन करना पर तेरे पे किसी को यकीन नहीं है अब यहां पर ये दोनों का डिस्कशन हो गया है कंप्लीट और उसने जितना अटेंशन सीक करना था कर लिया सोफी तो एकदम खतरनाक अटेंशन सीकर है थोड़ा सा और इसको घसीटेगी इस पूरे इस पूरे स्टोरी को तो आप एकदम से आप देखोगे कि, कि किस तरीके से जियो का बेडरूम यहाँ पर uh, बनाया गया है हमें बताया जाता है कि जियो का बेडरूम कैसे दिखता है हम देखते हैं कि वहां पर एक टेबल लैम्प है ठीक है और वहां पे आपको एक अलग सा ग्लो देखने को मिलेगा हम देखते हैं कि वहां पर जी ने काफ़ी सारे पोस्टर्स लगा रखे हैं और यू uh, नो you know, वो पोस्टर्स इसके लिए लगा रखे हैं क्योंकि इज़ अ बिग फैन वो फुटबॉल का बहुत बड़ा फ़ैन है और उसका क्लब उसके यू नो उसकी टीम के उसने पिक्चर्स लगा रखे हैं और उसके साथ में उसने सारे ये जितने प्लेयर्स uh, uh, हैं अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पिक्चर्स लगा रखे हैं ऑफ़ कोर्स वहाँ पर डैनिक एसी का भी पिक्चर है अब सोफ़ी जब वहाँ पहुँच जाती है तो सोफी है सब कुछ देखती है एंड देन फाइनली वो बात करती है जी ऑफ से और कहती है प्रॉमिस यू टेल नो वन अब इतने में वो जाती है जी ऑफ के पास में और जी ऑफ के पास जाकर बोलती है वादा करो जी ऑफ वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे तो इतने में जी ऑफ कहता है कि पर बताने के लिए है क्या क्या नहीं बताऊंगा अरे जिय तुम वादा करोगे कि तुम किसी को नहीं बताओगे क्योंकि अगर ये बात पापा को पता चल गई तो पापा मुझे मार डालेंगे जियो इज लाइक हाँ पर अगर वो तेरे पे यकीन करेंगे तो <laughs> वो तुझे नहीं मारेंगे बिकॉज ही इवन ट्रस्ट दिस प्लीज प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम नहीं बताओगे ये किसी और को तुम किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करोगे अब सोफी की ये बातें सुनकर और उसका ये जो अटेंशन और ये जो पूरा अटेंशन सीकिंग और ये जो ड्रामा है इसको देखकर जिओफ को गुस्सा आ चुका है एंड जिओफ इज लाइक क्राइस्ट सोफी यू स्टिल एट स्कूल कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स बस कर सोफी भगवान के लिए तू तो बच्ची है यार तू तो अभी भी स्कूल में पढ़ रही है और तेरे जैसे ना जाने कितनी सारी लड़कियां कैसी के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं दिमाग से सोच बुद्धी लगा अपनी अब जब वो यहाँ पर सोफी को डांटता है तो एकदम सोफी अभी यहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में रिप्लाई करती है कहती नो ही डजेंट नहीं है उसके पास में लड़कियों की लाइन हाउ could you know दैट और तुझे कैसे पता कि उसके पास लड़कियों की लाइन नहीं है He told me. That's how. क्योंकि उसने मुझे बताया इसलिए As if anyone would tell a girl something like that. वो एक लड़की को ये क्यों बताएगा थोड़ा तो सोच यार यस ही डेड ही इज इन लाइक दैट इज क्वाइट बोला हाँ हाँ उसने मुझे बताया और वो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो वो बहुत शांत है ना दिख रहा है जी ऑफ इज लाइक हाँ दिख रहा है कि कितना शांत है वो इट वॉज नथिंग लाइक दैट जी ऑफ इट वॉज मी स्मोक हु स्पोक फर्स्ट है मैं थी जिसने सबसे पहले कैसी uh, से बात करी थी मैंने उसे देखा और एकदम से I was like, uh, excuse me? आप तो डैनी कैसी हो ना तो उसने उसने मुझसे बात नहीं की थी मैंने करी थी और फिर वो एकदम से सरप्राइज हो गया और उसने मुझे देखा और उसने बोला यस दैट्स राइट

So इसीलिए हम दोनों बस थोड़ी बातें कर रहे थे अबाउट द क्लोथ इन रॉयस हम बात करने लग गए कि अरे हाँ ये बहुत अच्छे कपड़े रखते हैं नहीं बहुत मेरे को तो बहुत पसंद है इनके कपड़े हम दोनों ये डिस्कशन कर रहे थे और वो बहुत अकेला दिख रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत अकेला है एंड आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग if i would care to meet him next week he would give me an autograph then of course i said i would हम दोनों ने बातें की वो इतना अकेला दिख रहा था एंड देन उसके जाने का वक्त हो गया एंड देन ही वाज लाइक कि अगर मैं उससे अगले हफ्ते मिलने आऊंगी तो वो मुझे ऑटोग्राफ दे देगा और हाँ मैंने हाँ कर दी मैंने बोला कि मैं उससे जरूर अगले हफ्ते मिलूंगी as if he'd ever show up geo off is like, जैसे वो अगले हफ्ते आ ही दे आ ही जाएगा तुझे ऑटोग्राफ देने के लिए यू यू डू बिलीव मी ना डोंट यू वो सब छोड़ तू मुझ पे भरोसा करता है ना जी ऑफ He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arm into it. She wished he paid more attention to his appearance. Wished he cared more about clothes. He was tall with a strong dark face, handsome. She thought. It's the unlikeliest thing I've ever heard. He said. अब यहाँ पर जियोफ बहुत झेल चुका है सोफी को और सोफी की इन कहानियों को उसे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे एक्चुअली सोफी की छोटी सी प्यारी सी स्टोरी पे बिलीव करना भी चाहिए या नहीं एंड दैट इज व्हेन वो क्या करता है जैकेट लेकर आता है और एकदम ऐसे शेपलेस जैकेट होता है उसे फटाफट से पहनता है सोफी हमेशा उसे देखती है और वो सोचती है यार काश ये अपनी अपियरेंस पे थोड़ा काम करता मतलब कितना टॉल डार्क हैंडसम है मेरा भाई थोड़ा अपनी अपियरेंस पे काम करता तो कितना और अच्छा लगता बट जीओ ऑफ को इतनी परवाह नहीं है वो अपना जैकेट डालता है और डालते डालते वहां से निकलते हुए ही सेस कि मैंने जीवन में ऐसी चीज कभी नहीं सुनी है इतनी अनबिलीवेबल चीज मैंने जीवन में नहीं सुनी है तो यहाँ से सोफी इज लाइक ठीक है उसे थोड़ा बहुत भरोसा हुआ थोड़ा टेंशन उसे मिल गया हाँ हो सकता है जी ऑफ उस पर फुल भरोसा नहीं करता बट शी डिड नॉट केयर नाउ अब सैटरडे आ जाता है और उन्होंने अपना उनका एक रिचुअल है और वो रिचुअल ये है कि ये अब मैच देखने जाते हैं तो एकदम से वो भी यूनाइटेड को देखने चले जाते हैं सोफ़ी और उसके पापा और डैरिक जो है वो आ, गोल के पास में बैठे होते हैं जबकि जी जो है एज़ ऑलवेज अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा ऊपर बैठा हो अब हम यहाँ देखते हैं कि जिस टीम को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो जीत जाते हैं टू निल से यानी उनका स्कोर कुछ इस प्रकार होता है और ये टू नील से जो जीते हैं वो आ, कैसी की वजह से जीते हैं क्योंकि जो सेकंड गोल किया है वो कैसी ने किया है अब वो कैसे जब गोल करता है उसे देखो यार वो इनोसेंस और आयरिश जीनियस का मिक्सचर लगता है किस तरीके से वो दो डिफेंडर के बीच में गया और कैसे उसने नो ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया फटाफट से गोल कर दिया और जैसे ही वो गोल हुआ उसके पापा जो एकदम यू नो इनफैक्ट ऐसा होता है ना कि जब भी हम लोग कोई मैच देखते हैं अगर आप में से कोई फुटबॉल फैन है या कोई क्रिकेट फैन है या जो भी आप uh, हॉकी देखते हैं आप जो भी मैच देख रहे हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम घर में बैठे बैठे चिल्ला रहे होते हैं और अगर हम स्टेडियम गए तो वहां बैठ के चिल्ला रहे होते हैं अरे ये मत 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 कर 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 ऐसे कर, ऐसे कर। अरे चौका चौका देना अरे क्याच करना, क्याच करना, अरे कैच कैच करना करना ठीक है डिफेंड तो हम ऐसे चिल्ला रहे होते हैं एज इफ हम जो कह रहे हो सुन रहे हो और उससे एक्चुअली कुछ फर्क पड़ेगा तो सोफी के पापा भी इसी तरीके से कर रहे थे और आ, आ, यू नो बार 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 उसे बता रहे थे कि ऐसे कर ऐसे कर डैनिक कैसी को ऐसे चिल्ला रहे थे एंड फाइनली डैनिक कैसी ने गोल कर दिया और जैसे से उसने गोल किया तो एकदम से उसके पापा भी बहुत ज्यादा खुश हो गए डैनी कैसी को ऐसे देखकर और सोफी सोफी तो एकदम प्राइड से ग्लो करने लगी थी सोफी तो इस तरीके से चमक रही थी जैसे कि डैनी कैसी सच में उसका बॉयफ्रेंड हो जैसे कि डैनी कैसी ने वो गोल उसके लिए किया हो एंड शी वॉज ग्लोइंग माय डैनी कैसी उसने गोल किया और हमारी टीम को जिता दिया इतनी ज्यादा खुश हो गई थी वो और जी तो फूले नहीं समा रहा था इनकी टीम जीत गई थी और यही जो है मैटर करता था पीछे से कुछ लोग बोल रहे थे यार काश ये एक इंग्लिश मैन होता एंड देन यू नो डेरक अभी अपनी मम्मी को सारी कहानी बता रहा है कि हम कैसे गए क्या हुआ और बताता है कि आयरलैंड है ना इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा देख लेना उसके पापा जो है वो जा चुके थे पब में सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि आज वो लोग मैच जीते थे और यहाँ तक हमारी मैच वाला कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई अब इसके बाद में वो मोमेंट आ गया है जो मोमेंट बिल्कुल भी किसी भी बेस्ट फ्रेंड को पसंद नहीं है अगर आपने कुछ झूठ बोला है कुछ तो खिचड़ी पकाई है कुछ तो ऐसा किया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए था और वो आपके बेस्ट फ्रेंड को पता चल गया है तो अब आप उनसे दूर भागना चाहोगे क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स आपको आपकी हकीकत बहुत जल्दी दिखा देते हैं तो एग्जैक्टली exactly ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ जेंजी जो है जेंजी एकदम से जेंजी को पता चल जाता है यू नो you know, सोफी और डेनी गैसी की मीटिंग के बारे में तो जेंजी फटाफट से आती है सोफी के पास और उससे पूछती है What's this you've been telling? ये क्या है जो तू सबको बताती फिर रही है अबाउट व्हाट सोफी ने बोला किस चीज के बारे में बोला तेरे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को ये बताया है कि तू डेनी कैसी से मिली है सोफी लाइक भगवान सोफी <laughs> को इतना बुरा लग रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो जी ऑफ और उसके बीच का सीक्रेट था उसने क्यों जेन्सी को बता दिया और जेन्जी जो कि एक नंबर की गॉसिप क्वीन है जिसको अगर कुछ भी पता चल जाए तो पूरे मोहल्ले में वो बात फैल जाती है क्यों उसे बता दिया और वो जेन्जी का सामना कैसे करेगी तो जेनजी समझ गई थी कि कहीं इसके अंदर दाल में कुछ काला तो नहीं है कहीं सोफी झूठ तो नहीं बोल रही है और उससे पूछती है सच बता तो नहीं मिली थी ना डेनी कैसी से झूठ बोल रही है ना कहानी बना रही है ना कुछ अब सोफी ने सोचा यार अगर मैंने इसको सच बता दिया कि मैं डैनी कैसी से नहीं मिली थी और मैं ये सब कहानी बना रही थी तो ये पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देगी कि मैं डैनी कैसी से नहीं मिली थी और मैं सिर्फ कहानी बना रही थी और जियोफ और मेरे परिवार का भरोसा मेरे पे से उठ जाएगा और अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं डैनी कैसी से मिली थी और मैं उससे वापस मिलने वाली हूँ नो अभी आ, क्योंकि हम लोगों ने एक डेट फिक्स की थी उसने मुझे डेट के लिए पूछा था और मैं जाने वाली हूँ तो ये मोहल्ले में वो बात फैला देगी दोनों ही चीजें ठीक नहीं है तो बड़े स्मार्टली इसे टैकल करना पड़ेगा इसीलिए सोफी उसे बताती है आ, कि देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ पर तुम्हें ना ये सीक्रेट रखना पड़ेगा क्योंकि अगर तुमने सीक्रेट नहीं रखा ना तो मेरे डैड मेरे मेरे घर वालों हम की हम सबकी बदनामी हो जाएगी वो कहती है अरे यार सोफी तेरे को पता है मैं तेरी तेरी हर बात सीक्रेट रखती यार आज तक मैंने कभी तेरी कोई बात इधर की उधर करी है कभी ऐसा है जो तूने मेरे को बताया और मैंने इधर उधर फैलाई हो डोंट वरी यार तू मेरे पे भरोसा कर तो अब एकदम से वो बताती है कहती है देख बात ये है ना कि और इससे बात करती है और रियलाइज़ करती है कि जियॉफ ने ये नहीं बताया है कि सोफ़ी अभी डेट पे भी जाने वाली है उसके साथ में तो सोचती कि अभी इसको टैकल कर लेती हूँ तो कहती यार बात ये है ना कि मैं आ रही थी और मैं रॉयसेस के विंडो के बाहर खड़ी थी और मैं कपड़े देख रही थी तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर डैनी कैसी है तो मैंने उससे पूछा कि अरे आप डैनी कैसी हो तो उसने बोला हाँ और मुझे ऑटोग्राफ चाहिए था पर तेरे को तो पता ही है कि मेरे पास मेरे पास पेपर मेरे पास पेपर और पेन नहीं था और उसके पास भी पेपर और पेन नहीं था तो मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं पाई दैट्स इट अब इतने में जब उसने ये सारी बात बताई तो एकदम से यू नो जेन्जी को ऐसा लगता है कि अरे यार तो मुझे भी बुला लेती यार अपन साथ में चलते मुझे भी मिलना था डैनी कैसी से पर कोई बात नहीं अच्छा लगा सोफ़ी को कि कम से कम जेन्जी ने उसकी बात पे यकीन किया और अब ये जो बात है ये बात ज़्यादा फैलेगी भी नहीं एंड जिस चीज़ का उसे डर था वो नहीं होगा तो इसीलिए वो अभी थोड़ा रिलैक्स कर रही है सोच रही है कि ठीक है अभी जेंजी को बिलीव हो गया जान छूटी यहाँ से तो अब वो दिन आ चुका है जिस दिन डैनी कैसी ने सोफ़ी को कहा था प्रॉमिस किया था कि वो आएगा ठीक है सोफ़ी के डिल्यूजन में बच्चों डैनी कैसी और सोफ़ी की मुलाकात असल में कभी नहीं हुई थी ठीक है सिवाय उस स्टेडियम के सिवाय उस मैच के सिवाय उस मैच के जिसमें उसने डेनी कैसी को देखा था वो कभी भी नहीं मिली थी डेनी कैसी पर जो कहानी उसने बनाई थी जी ऑफ के लिए उस कहानी में उसने कहा था कि वो एक हफ्ते बाद डेनी कैसी से मिलने जाएगी और उसका ऑटोग्राफ लेके आएगी और उस कहानी के अकॉर्डिंग ही सोफी क्या करती है जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो कैनाल के पास जाती है और वहां पर वो देखती है कि थोड़ा कुछ ऐसी जगह थी जो थोड़ी ऐसी कवर्ड थी और वहाँ पे एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक बेंच थी आ, ये एक ऐसी जगह थी जो एकदम आइडल जगह है लवर्स के लिए एक ऐसी जगह जो कि इस तरीके की मीटिंग के लिए परफेक्ट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लवर्स मिलते होंगे जो ऑफ़ कोर्स अपने आप को पब्लिकली नहीं अनाउंस करना चाहते जो पब्लिकली नहीं मिलना चाहते हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि ठीक है ये ऐसी जगह है जहाँ डैनी ऐसी मुझसे मिल पाएगा बिकॉज ऑफकोर्स उसे अन वांटेड अटेंशन नहीं चाहिए तो इसलिए वो वहाँ जाती है और वहाँ जाकर बैठती है और बैठकर बस इंतज़ार करती है और फिर इमेजिन करती है उसके आने का वो देखती है कि किस तरीके से वो यहाँ पर बैठी है और वो वहाँ पर शेडोज से निकल के आ रहा है वो कैसे वहाँ से निकल कर आ रहा है और एकदम से बस उसे वहाँ से आते हुए देखने में बहुत वक्त बीत गया है बहुत वक्त बीत जाता है अब एक तरफ तो वो अंदर से बहुत खुश है क्योंकि कितने रोमांटिकली वो शेडो में से निकल के आ रहा है वो चल रहा है सोफ़ी के टूअर्ड्स भाग रहा है सोफी के टूवर्ड्स आ रहा है और दूसरी तरफ सोफ़ी को ये पता है कि ये सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग में है एंड दैट इज़ वाई शी इज ट्राइंग टू बैलेंस हर थाट्स तो एक तरफ तो वो उसके आने को इमेजिन करती है एंड शी गेट्स एक्साइटेड और दूसरी तरफ वो ये इमेजिन करती है कि वो नहीं आएगा सही कहा था धैनी कैसी नहीं आएगा वो बैलेंस करने की कोशिश करती है हिज आइडिया ऑफ कमिंग एंड हिज आइडिया ऑफ नॉट कमिंग वो वहाँ पर बैठती है और सोचती है कि काश तेरी कैसी आता काश वो यहाँ पर आता और वो देखता यू you नो know, देखता कि वक्त कैसे गुजर रहा है अभी भी मेरे अंदर वो दर्द है वो डाउट का दर्द है मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए पर वो यहाँ नहीं है मुझे पता है कि जियॉफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा और देखो वो कभी नहीं वो नहीं आया और देखना वो मुझ पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे मैं उन्हें कैसे बताऊंगी मैं क्या बताऊंगी कि वो क्यों नहीं आया और कैसे नहीं आया पर मुझे तो पता है ना शायद मैं उन्हें कभी यकीन नहीं दिला पाऊंगी कि डैनी कैसी से मैं मिली थी और यहाँ पर वो नहीं आया पर मुझे तो पता है ना कि मेरे और डैनी गैसी के, के बीच में क्या था और वही तो मायने रखता है अब कैसे मैं लोगों को क्या सोचते हैं क्या बिलीव करते हैं उस बात उसे कंट्रोल कर सकती हूँ मैं वो कंट्रोल नहीं कर सकती बट मैं इतना कर सक मैं, मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं जानती हूँ मेरी सच्चाई मेरी और डैनी कैसी की सच्चाई वो कहती है कि यहाँ पर मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि आ, मैं प्रूव कर दूंगी उन लोगों की क्योंकि कि, कि वो गलत है कि वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करते पर अब वो सच साबित हो जाएंगे कि अच्छा है कि वो मेरे पे भरोसा नहीं करते क्योंकि नहीं कैसी नहीं आएगा वो नहीं आएगा और ये साबित हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रही थी कि मैं कहानी बना रही थी ये क्या हो रहा है बच्चों सो सोफी ने जियो का अटेंशन अपने घर वालों का अटेंशन ग्रैप करने के लिए एक कहानी बनाई उस कहानी को पूरी तरीके से फील किया और उस कहानी के इंट्रेंसिक डिटेल्स को अपने घर वालों तक पहुंचाया ताकि वो उस पे बिलीव करें उन लोगों ने नेचुरली उस पर बिलीव नहीं किया बिकॉज वो कहानी बड़ी ही वियर्ड थी उन लोगों के लिए और अभी सोफी अपने आप को उस पेन से गुजरवाना चाहती है वो फील करना चाहती है उस पेन को एज इफ शी वेटेड एज इफ द स्टोरी वॉज रियल और वो वेट कर रही थी डैनी कैसी का और वो नहीं आया और कैसे दुनिया उसे झूठा साबित करेगी उसके प्यार को झूठा साबित करेगी शी इज ट्राइंग टू फील दैट पेन ऐसा होता है टीनेजर्स यूजुअली ऐसी स्टोरीज को करते हैं और इमोशनली उन स्टोरीज से अटैच हो जाते हैं वो डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीते हैं और रियलिटी में नहीं And that is why oh, poor decision making, you know, uh, poor concentration, these are all problems that arise. This is Sophie. Ke saath ho hai. She's not even understanding the difference between, she's unable to understand the difference between reality and her world now. शी फील्स कि अरे डैनी कैसी नहीं आया अब दुनिया मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगी बट मुझे पता है मेरे और डैनी के बीच में क्या ट्राइंग टू शीज ट्राइंग टू फील जैसे वो पता नहीं इश्क में थी और अफकोर्स उसका इश्क अधूरा रह गया अब वो वहाँ पर एकदम से uh, वेट करती है फिर भी इंतजार कर रही है वहां पर बैठी बैठी इंतजार कर रही है क्योंकि अफकोर्स वो कहती है किसी चीज को छोड़ देना एकदम से पॉसिबल नहीं है उसने कभी आने का इन दस्ट प्लेस इन माइंड अब वो सोचती है ना आई है उदास हो रही हूँ सोचती है यू you नो know, अपने आपको उदास फील करवाती है और कहती है कि जो सैडनेस है

रिमेंग हाउ इ हमेशा डाउट करते हैं वो आज भी मुझ पर डाउट करेंगे पर मुझे अपना सर उठा कर जीना होगा ये याद कर कर सब कैसा था Already I in, in 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 the slow walk home and and Geoff's disappointed face when I tell him he did not. मैं अभी ऑलरेडी सोच पा रही हूँ कि मैं किस तरीके से धीरे धीरे उदास होकर अपने घर की तरफ जाऊंगी और कैसे मैं जी को बताऊंगी जी ऑफ नहीं आया एंड जी बोलेगा मुझे पता था और वो गुस्से में दरवाजा पीट के चला जाएगा But we know how it was. I shall tell चाहे दुनिया हम पे भरोसा करे या ना करे पर मैं अपने आप को हमेशा इस बात का भरोसा दिलाती रहूंगी कि कम से कम पता है कि हम कैसे थे ये कैसा था मेरे और डैनी के बीच में इट इज अ हार्ड थिंग सैडनेस ये उदासी बहुत मुश्किल है वो कैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ती है स्ट्रीट पे जाती है पब के बाजू बाजू से निकलती है तो देखती है कि उसके पिता की उसकी पापा की बाइसिकल वहाँ पर पार्कड है अंदर ही अंदर खुश होती है कि चलो एक इंसान को तो कम टॉलरेट करना पड़ेगा एक इंसान को तो कम जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि पापा तो यहाँ पर पब में मस्त है एकदम अपना आ, सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी जीत को बट अब वो धीरे धीरे चलते चलते जब घर की तरफ जाती है तो वापस से रॉयस के विंडो के सामने आ जाती है और वहां पर जब आती है तो वापस से रीलिफ करती है उस स्टोरी को जो स्टोरी उसने अपने भाई को सुनाई थी एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसी अरे आप डैनी कैसी हो ना और एकदम से एकदम से वो वो मुड़ता है और वो कहता है यस दैट्स राइट हाँ मैं डैनी कैसी हूँ आई I I वॉच यू एवरी वीक with माई डैड एंड माई ब्रदर मैं आपका मैच हर वीक देखती हूँ मेरे पापा और मेरे भाइयों के साथ वी थिंक यूर ग्रेट और हमें लगता है कि आप बहुत अच्छा खेलते हो डैनी कैसे बोलते हैं ओ वेल दैट्स नाइस आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ क्या आप मेरे लिए एक ऑटोग्राफ दे देंगे आर ऑन द सेम लेवल एज य आँखें आपकी आँखों के जस सामने हैं इज नोज़ इज फ्रैकर्ड उसकी नोज पे धब्बे हैं एंड टर्नस अपवर्ड स्लाइटली और उसकी नाक ऊपर उठती है पैनी स्माइल्स ही दस सो शाइली स्लाइली या शाइली एम सॉरी अब वो 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 एकदम से अपनी नोज ऊपर उठाता है और वो स्माइल करता है एकदम शरमा के एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन और वो जब स्माइल करता है तो उसके दांत दिखते हैं और उनके बीच का गैप भी इज आइज आर ग्रीन उसकी आंखें हरी हैं और जब वो आपकी आंखों में देखता है एकदम स्ट्रेट तो मानो जैसे उसकी आँखें चमक जेंटल उसकी आंखें बड़ी ही जेंटल है ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से डरा हुआ है हिरन की आंखों की तरह उसकी आंखें हैं एंड और आप दूर देख लेते हो आप उसके उसको फेस नहीं कर सकते उसके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते तो आप कहीं और देख लेते हो यू लेट इज आइज़ रन ओवर यूर लिटल और आप दूर देख लेते हो ताकि वो आपको पूरी तरीके से देखे उसकी आंखें आपको पूरी तरीके से देख रही होती है एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस और फिर आप वापस उसे देखते हो उसकी आंखों को और जब आप उसकी आंखों को देखते हो तो समय थम सा जाता है से रुक सी जा एंड ही से फिर वो कहता है आई डोंट सीम टू हैव अ पेन मेरे पास तो पेन ही नहीं है और फिर तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है और तुम कहते हो माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर लोन

रियलिटी में आ जाते हो क्योंकि यहाँ पर यही है इट्स लाइक like ऐसा ही था ऐसा ही कुछ था जब उसने उसने लास्ट सैटरडे कैसी को देखा था रियलिटी ये है कि उसने जीवन में कैसी को अभी आखिरी बार इन दिनों में मैच में देखा था दैट्स इट वो कभी नहीं मिली थी डैनी कैसी से वो सिर्फ लोगों के अटेंशन के लिए ये स्टोरी बना रही थी स्टोरी को जी रही थी इसकी एक एक डिटेल के साथ में स्टोरी को फील कर रही थी और अपने दिल को फील करने दे रही थी बट वो रियलिटी में डैनी कैसी को ना जानती थी ना वो कभी उससे मिली थी मैच को छोड़ के ये कहानी जो सोफी के डिल्यूजनल वर्ल्ड में हमें ले जाती है वो हमें बताती है कि किस तरीके से कभी कभी सच्चाई है ना बड़ी डिफिकल्ट होती है फेस करना रियलिटी बहुत डिफिकल्ट होती है फेस करना तो हम अपनी खुद की ख्वाबों की दुनिया बना लेते हैं जिसमें शायद रियलिटी का कोई लेना देना नहीं होता बट हमें उसमें रहना ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि एक गलत चीज़ है ये जैसी भी रियलिटी है जो भी रियलिटी है आपकी है और उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए दैट्स इट फॉर द चैप्टर गोइंग प्लेसेस तो इसके साथ में कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आप सोफी की तरह डिल्यूजनल वर्ल्ड में नहीं हो और कमेंट्स में डिलू इज़ द ओनली सेलुलू तो बनता है एक बार और ज़रूर शेयर भी कीजिएगा इस क्लास को सबके साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज और बैचेस के लिए एंड हमारी आर्मी का कोड है एस एटीन इसकी मदद से आपको मिलने वाला मैक्सिमम डिस्काउंट तो इसे ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई लव यू ब बाय टेक केयर